Yes. They say, कोई पूछते हैं आपसे इंटरव्यू में कि शॉर्ट टर्म में है कि लॉन्ग टर्म में, तो उत्तर क्या होगा? ये लॉन्ग टर्म में. ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से कैंडिडेट होता है कि लॉ ऑफ रिटर्न से, तो उत्तर होगा लॉ ऑफ रिटर्न से, बिकॉज लॉ ऑफ रिटर्न इज फॉर लॉन्ग रन एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज फॉर शॉर्ट रन. लॉ ऑफ रिटर्न इज फॉर शॉर्ट रन. तो कहता है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल, लेबर एंड कैपिटल. बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए ये इक्वल होता है डेल क्यू बाई डेल एल, डेल क्यू बाई डेल के, क्यू डेल स्क्वायर क्यू, डेल एल डेल के. बड़ा इंटरेस्टिंग है जिसको कि हम लोग देख रहे हैं कि यहां डेल क्यू बाई डेल एल निकालना है. बोर्ड पर नजर रखिएगा, जिसको निकालना है तो हम लोग का प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, लैम्डा एल अल्फा के बीटा म्यू. तो डेल क्यू बाई डेल एल निकालना है, डेल क्यू बाई डेल एल निकाल, एल के रेस्पेक्ट में क्रिया होगी, किसके रेस्पेक्ट क्रिया होगी, बाकी सब चुपचाप उतर जाएगा. जो लोग मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हैं उनके लिए हम नहीं बोल रहे हैं, हम उनके लिए बोल रहे हैं जो कि मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के नहीं है. तो चुपचाप उतर जाएगा, दिमाग में घुस गया कि एल वाला है तो एल के साथ छूछा करना है, बाकी सबको चुपचाप उतार देना नीचे. ठीक है, तो और इसका हम जानते हैं डी वाई बाई डी कि एक्स टू द पावर एन है, तो क्या हो जाएगा एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन. तो उसी तरीके से अल्फा माइनस वन, ये आपका दूसरा हमारा है डेल क्यू बाई डेल के. तो ये लैम्डा एल अल्फा ये एडिटिव उतरेगा, एक्टिविटी किसके साथ होगा, के के साथ होगा, तो बीटा माइनस वन म्यू, लैम्डा एल अल्फा बीटा के बीटा माइनस वन, ये आपका हो गया. अब हम लोग जो ये दो बनाए ऊपर का दोनों मिल गया, अब नीचे वाला में ये कोई थोड़ा सा टेढ़ा है, मतलब कि अभी हम लोग फर्स्ट ऑर्डर कर रहे हैं, ये है सेकेंड ऑर्डर. सेकेंड ऑर्डर में भी चेंज ऑफ ये डिफरेंशिएशन का कि एल वाला एल के रेस्पेक्ट में करेंगे. तो बहुत आदमी देखिएगा पक्का का मकान बनाए ऊपर में वो हट बनाए हुआ है, घास फूस लगा उगा करके पूरा ऊपर में, वो ये क्या डिजाइन के डिजाइन. और दिवाली में उसी पर वो गुब्बारा जो है नहीं आग जला के उड़ाता है, घूमते फिरते उसी के छत पर गिर गया, अब पूरा उसका बताइए कितना सुंदर से हम इसको सजाए हुए थे. कितनो धूप रहता था तो पुआल वाला रूम में बैठ के रहते थे, जरूर उसका बैकग्राउंड गांव का होगा, गांव में पुआल के मकान बड़ा आराम से होता है, पुआल का छत है, अब पुआले पर बिछाए थे, अब पुआले में सूत गए, अब पुआले ओढ़ लिए, अब आज वही पुआल जो है प्रॉब्लम हो गया कि गा रहा है कि जला रहा है. सोचिए आपका अपना चीज है लेकिन आप जलाइएगा तो अर्थव्यवस्था को प्रॉब्लम हो रहा है. तो क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, पराली बोलता है, क्या बोलता है, पराली जलाने की समस्या क्यों उठी, क्योंकि उसका कंजम्पशन का सब्स्टिट्यूट गुड्स आ गया. अब कोई भी अपना जो है मड़ई में उसका उपयोग नहीं करता है, और उसका उपयोग नहीं करने से उसके जगह आप प्लास्टिक इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, बहुत कर लेते, अब वो बच रहा है, जला दे रहा है. तो ये हम लोग का हो गया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. पराली क्यों जलाया, क्योंकि उसका खपत नहीं है, अगर रूम के ऊपर लगा देता तो दूसरा रिक्शा में वो खराब हो जाता, फिर नया लगता, फिर खराब होता नया लगता. गांव में गाय बैल पालने की संख्या जब घट गई, कोई बहुत धनवान भी है तो इतने गाय पालता है जितना उसका पूरा खा ले, और उसका बगले में ससुराल है तो ससुराल भी खा ले,
लेकिन सब खा गए इसके लिए नहीं कहे पाता है। हम बहुत लड़के से पूछ के देखते हैं, हमारे पास हर जगह के लोग आते हैं तो कहता है नहीं सर वी डोंट लाइक टू हैव दिस मिल्क, के लिए हम लोग ज्यादा नहीं रखते। बाद में झंझट हो जाता है क्योंकि बहुत पंजाब में है कि सब आदमी को गाय दूहने आता है, भैंस दूहने आता है। अब बिहार में जो है खास आदमी ही दूहता है और उसे खड़ी जाइए पैर पकड़ी चलिए ना जल्दी से, चलिए आते हैं जल्दी आवे नहीं करें, नहीं आएगा तो यहाँ दूध का भी प्रॉब्लम रहता है, खास समय तक दूध देगा बाद में नहीं देगा या कौन खड़े। कहता है कि इकोनॉमी में जब एल का जो फंक्शन वाला है वो रिजल्ट हम लोग को मालूम हो गया है, उसी सेट को हम लोग चेंज ऑफ ऑर्डर कर दें, के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दें, ये देखिए ये के है ना, तो अगर हम लोग इसको क्या करें एल के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें डेल क्यू बाई डेल के है नहीं वाला, इसको उलट दिए है के का, इसको के में ही हमको डिफ्रेंशिएट करना चाहिए सक्सेसिव, लेकिन हम लोग किसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं एल के। तो अब ये कैसे बनेगा, क्या ही बनेगा, इस क्रिया के साथ होगी बाकी सब उतर जाएगा, एल लैम्डा एल अल्फा बीटा उतर जाएगा, आ यहाँ आपका क्या हो जाएगा फिर उतरेगा बीटा माइनस वन और फिर हो जाएगा के बीटा माइनस वन और म्यू, मतलब बराबर हो जाएगा लैम्डा एल अल्फा बीटा बीटा माइनस वन के बीटा माइनस टू है ना म्यू। अब गौर से देखिए इसको अगर हम लोग करते हैं, इसको करते हैं डेल के उल्टा कर दिए, ये हम लोग का है डेल क्यू बाई डेल एल, अब इसका ऑर्डर चेंज कर दिए चेंज कर दिए, के रेस्पेक्ट में इसको तोड़ना चाह रहे हैं, है हमारा है ये एल वाला, तो ये चुपचाप वहाँ देखिए उतर जाएगा लैम्डा उतर जाएगा अल्फा उतर जाएगा अल्फा माइनस वन उतर जाएगा, और क्रिया किसके साथ होगी लेवल के साथ ही होगी, हैं एल के साथ ही होगी, किसके साथ होगी एल के साथ, अल्फा इनटू अल्फा माइनस वन, अरे एल वाला है ना के रेस्पेक्ट में तोड़ना है तो के यहाँ ना है, बाकी सब चुपचाप उतर जाएगा ना, पावर उतरेगा पावर माइनस वन म्यू, सबसे पहले वाला किसके पहले थी सबसे पहले वाला हमसे दूसरी उसके पहले वाला में के वाला था ना yes. के वाला को किसके रेस्पेक्ट तोड़े एल के रेस्पेक्ट में तोड़े yes. के वाला को किसके रेस्पेक्ट तोड़े एल के रेस्पेक्ट तोड़े yes, तो यहाँ आपको हो जाएगा अल्फा पहले अल्फा एल अल्फा माइनस वन है ना, इसको चुपचाप उतारना था हम लोग yes, बीटा और के बीटा माइनस वन ये होगा yes. आप इसको फिर से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा लैम्डा अल्फा अल्फा माइनस वन बीटा के बीटा माइनस वन म्यू। अब यहाँ देखिए नीचे वाला क्या है लैम्डा अल्फा अल्फा माइनस वन बीटा के बीटा दोनों सेम है कि नहीं यस सर। अब देखिए इसको ऐसे लिखेंगे ये किसको केसो किए हैं तो देखिए डेल 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 स्क्वायर हो जाएगा डेल डेल क्या हो जाएगा स्क्वायर और नीचे ही दोनों आ जाएगा ये तो गुना होगा नहीं क्योंकि दो जात का है yes. ये वाला देखिए डेल डेल क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर हो जाएगा क्यू और डेल के डेल एल लैम्डा अल्फा अल्फा माइनस वन बीटा के बीटा माइनस वन म्यू। तो एक चीज यहाँ महत्वपूर्ण है कि चेंज ऑफ ऑर्डर करने से सेकेंड ऑर्डर में कोई चेंज नहीं होता है, लिख लीजिए ये बात, इंटरव्यू में पूछ देगा, रिटर्न में तो नहीं पूछेगा, रिटर्न में लिखने का चीज है, लिख लीजिए कि सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन में चेंज ऑफ ऑर्डर अगर कर दीजिए, पहले के बजाय एल ले लीजिए एल के बजाय के ले लीजिए तो देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू। तो ये आपको हम इसलिए बता दिए कि एल के रेस्पेक्ट में हम लोग क्या है ना डेल स्क्वायर क्यू डेल एल
डेल के, वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। वही चीज क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, डेल एल डेल के, तो देखिए यहाँ डेल एल डेल के, इसका जो वैल्यू है वही वैल्यू है डेल के डेल एल, उल्टा करते हैं तो भी वही वैल्यू है ना। अब आप देखिए कि आपका ये वाला आपको लैम्डा ऊपर वाला ले लीजिए, लैम्डा अल्फा अल्फा माइनस वन के बीटा म्यू इंटू, फिर दूसरा वाला ले लीजिए लैम्डा एल अल्फा बीटा के बीटा माइनस वन म्यू, हो गया। नीचे है यहाँ क्यू, और फिर अब यहाँ ले लीजिए ये सब सेम है ना, चाहे हम इसको लें चाहे इसको लें, दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। तो लैम्डा अल्फा अल्फा माइनस वन बीटा के बीटा माइनस वन म्यू। अब गौर से देखिए कि यहाँ आपको जो है काट दीजिए, इससे ही कट गया, इससे ही कट गया, इससे ही कट गया, है ना। उसके बाद बीटा से बीटा कट गया, के बीटा से के बीटा कट गया, म्यू से म्यू कट गया। तो अब हम लोग को बच क्या गया, इसमें तो सब यहाँ कट जाए, वो बच रहा है ये के बीटा, है ना, के बीटा है, ये वो म्यू बच रहा है। उसके बाद इधर क्या है, लैम्डा बच रहा है, एल अल्फा बच रहा है, नीचे क्यू क्यू क्यू। अब गौर से देखिए, ऊपर वाले को ठीक से अरेंज कर दीजिए, लैम्डा एल अल्फा के बीटा म्यू और क्यू नीचे क्यू। अब क्यू का माने यहाँ देखिए क्या है, लैम्डा एल अल्फा के बीटा म्यू, तो यही सेम चीज है, इसके जगह क्या होगा क्यू, तो हो जाएगा क्यू बाई क्यू इक्वल टू क्या हो गया, वन, ईटा इज इक्वल टू वन रूट, ईटा इज इक्वल टू वन रूट। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज प्रूव टू बी वन। तो क्रोटोग्राफ प्रोडक्शन फंक्शन का लैंग्वेज में प्रॉपर्टी हम लोग लिखते ही हैं, साथ साथ उसका जो मैथमेटिकल फॉर्म भी देंगे। मैथमेटिकल देने का मतलब नहीं कि लैंग्वेज नहीं देना है, लैंग्वेज आपको देना है, जो लैंग्वेज लिखे लिखिए और उसी के नीचे लिखिए कि प्रूफ प्रूफ दे दीजिए, प्रूफ प्रूफ दे दीजिए। ये वही कर सकता है जो कि गॉड डोगलास प्रोडक्शन फंक्शन को ठीक से पढ़ा है। तो बीपीएससी में एक बार आ गया था 20 नंबर का गॉड डोगलास का प्रॉपर्टी है, 20 नंबर का क्रेडिट क्रिएशन, और दोनों में मैथमेटिकल अप्रोच है जिसे आप उपयोग किया जा सकता है। तो इक्वल टू वन हो गया। हम लोगों का नेक्स्ट क्या है प्रॉपर्टी, सबको इसलिए बुलाते हैं फेरा फारी कि तो फोटो पूरा चल जाएगा, इहन मंडी कोबार से आए तो वहाँ घरे देख लेगा लोग, वाह ये लड़का जो है सो ठीक से पढ़ रहा है। गुरु जी का बोर्ड बैठाना मामूली बात नहीं है, सर हम 10th क्लास में मिटाए थे 2012 का बात होता है और आज के मिटा रहे। हम पटना कॉलेज बराबर बोर्ड पर बुलाते थे, आज सारा लड़का सब IAS ऑफिसर है, IPS है, IES है, बोर्ड पर बुलाते थे ना, तो धीरे धीरे सब में प्रतियोगिता हो गई। हम एगो को बार बार नहीं बुलाते थे कि कोई हमारे गांव का बुरा है कि उसको बार बार बुलाते, एक बार बुलाए दूसरा बुलाए तीसरा बुलाए, लड़का को बोला लड़की बुलाए, सब में इंकरेजमेंट होना चाहिए। ऐसे को कहा जाता है इक्वल ट्रीटमेंट इन द क्लासरूम, बड़ा इंकरेजिंग होता है, लड़के में भावना बढ़ जाती है, बाद में वही सब लड़का अभी जो है पूरे राज्य में विभिन्न जगहों पर प्रोफेसर के पद पर है, परमानेंट कमीशन से हो गया। तो अच्छा लगता है, सुखद लगता है कि मान लीजिए कि आप पढ़ाए और लड़का राइज कर गया, तो भीतर से आपको महसूस होता है कि हम ही राइज कर गए। हर जो
उस्ताद होता है वो अपने स्टूडेंट में अपने आप को देखता है। तो अनमनी को बाहर का जो है ना कैसे कैसे घूमने जाना है लिख के दे दोगे। हाँ क्या कि जनवरी में ही सुनते हैं जाने का समय रहता है। जी सर तुम्हारा तो दिसंबर जनवरी फरवरी तुम्हारा घर है वहाँ क्या? जी सर। और तुम्हारे रिश्ते तो उनको ही सुनते हैं कि सारा माल बिक गया पाव रोटी आज जहाज से आया ही नहीं। ये सब होता है कभी कभी नेचुरल कैलेमिटी आने पर खूब प्राइस का फ्लक्चुएशन बहुत होता है। तो कहते हैं कि हम लोग का है क्या प्रॉपर्टी क्या है कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन आइसोकॉन्स कॉब लोग लास प्रोडक्शन फंक्शन प्रॉपर्टी सिक्स प्रॉपर्टी है आपको क्या है कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन आइसोकॉन तैयार किया जाता है कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन आइसोकॉन तैयार किया जाता है कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन ओरिजिन तो क्या हुआ कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन आइसोकॉन ये आप क्या कीजिए इसका ऑर्डरिंग चेंज कर दीजिए कॉन्वेक्स टू ओरिजिन लास्ट कर दीजिए इसको ये नेगेटिव स्लो लास्ट वाला जो है ना वो पहले आएगा नेगेटिव स्लो इसको कहा जाता है डाउनवर्ड स्लोपिंग आइसोक्वांट बेस्ड ऑन कॉब डोगलास प्रोडक्शन फंक्शन। छठा जो है ना उसको पढ़ दीजिए छठा को सातवां छठा पहले डाउनवर्ड स्लोप तो देखिए क्यू क्या है लैम्डा एल अल्फा के बीटा म्यू और इसको क्या कहा जाता है इसको आप पढ़े होइएगा इसको कहा जाता है डी के बाई डी एल स्लोप ऑफ आइसोक्वांट क्या होगा माइनस डीके बाई डीए। अब गौर से देखिए आपके पास इक्वेशन क्या है क्यू लैम्डा एल अल्फा के बीटा म्यू वही इक्वेशन है हैं? अब इसका डी क्यू इज इक्वल टू जीरो कॉब डोगलास में यहां रहिए ए पर रहिए बी पर रहिए सी पर रहिए डी पर रहिए सब जगह आपका डी क्यू जो होगा क्या होगा जीरो क्या होगा डी क्यू जीरो मतलब कि नो चेंज इन आउटपुट कहीं भी रहिएगा लेबर एंड कैपिटल का कॉम्बिनेशन बदल दीजिए ज्यादा लेबर कम कैपिटल ज्यादा लेबर प्रोडक्शन आपको 100 मन हो रहा है तो 100 मन होगा और उसका नाम होगा आइसो पॉइंट वन दूसरा मन नहीं होगा उस पूरे कर पर आपको जब भी होगा तो 100 मन होगा। लेबर कैपिटल का कॉम्बिनेशन आप बदल सकते हैं लेबर बढ़ा सकते हैं कैपिटल घटा सकते हैं लेबर घटा सकते हैं कैपिटल बढ़ा सकते हैं ए बी सी डी पर जाइए सी डी ए पर जाइए ऊपर नीचे कीजिएगा लेकिन प्रोडक्शन क्या रहेगा 100 का 100 रहेगा। अगर ये 100 है तो ये 100 यूनिट ही रहेगा तो इसलिए ये महत्वपूर्ण बात है जो आपसे कोई पूछे कि इस इक्वेशन के साथ ऑलवेज डी क्यू इज इक्वल टू जीरो रहता है मतलब टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज जीरो टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट अगर जीरो है तो हर हालत में 100 का 100 यूनिट रहेगा क्यू वन पर क्यू टू पर 200 हो जाएगा Q3 पर 300 हो जाएगा समझे बात इस बात को समझ रहे हैं। तो अब इसको आप देखिए कि आपका DQ क्या होता है
डी क्यू बराबर होता है डेल क्यू बाई डेल एल डी एल, ये पार्शियल डिफरेंशियल हुआ, डेल क्यू बाई डेल के डी के इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए डेल क्यू बाई डेल एल डी एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल क्यू बाई डेल के डी के। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, डेल क्यू बाई डेल एल इसको इधर ले आइए, डेल क्यू बाई डेल के इक्वल टू माइनस डी के है, इधर एल को इस तरफ लाइए तो डी एल है। टोटल डिफरेंशियल हर हाथ में कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, और उसको बाएं दाएं शिफ्ट करके आप वैल्यू निकालिएगा, तो इसी को कहा जाता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। क्या कहा जाता है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। वहां लोग ईटा जो पढ़े थे वो था सब्स्टिट्यूशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल, सब्स्टिट्यूशन इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल। यहां है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, क्या श्रम को जीरो नहीं कर सकते, हर हाल में श्रम जीरो से अधिक होगा, के को आप जीरो नहीं कर सकते, बदलिए जो बदलना है बदलिए, लेकिन एल और के को आप जीरो नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका है। अब आपको इसी बात को किस पे दिखलाना है, क्रॉप डोगलास पे दिखलाना है। आप सभी जानते हैं कि डी क्यू बराबर क्या होगा, डेल क्यू बाई डेल एल, तो डेल क्यू क्या होगा, अल्फा एल अल्फा माइनस वन के बीटा म्यू, ये हो गया डेल क्यू बाई डेल एल इंटू डी एल। उसके बाद डेल क्यू बाई डेल के है तो क्या लिखेंगे, लैम्डा लैम्डा के साथ क्रिया होगी, एल अल्फा बीटा के बीटा माइनस वन म्यू डेल डी के इज इक्वल टू जीरो। अब आपका जो ये चीज है इसको उस तरफ ले जाइए तो प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो आपका लैम्डा अल्फा अल्फा माइनस वन के बीटा म्यू डी एल बराबर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस लैम्डा एल अल्फा माइनस लैम्डा एल अल्फा बीटा के बीटा माइनस वन म्यू डी के। अब गौर से देखिए कि यहाँ माइनस डी के रहने दीजिए, आई डी एल को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, डी एल अभी पूरा उठा के ले आइए, यहाँ माइनस वही छोड़ दीजिए, लैम्डा एल अल्फा बी एल अल्फा बीटा के बीटा माइनस वन म्यू, और इधर जो है इस तरफ में डी एल को उधर चला गया, रेस्ट पे यहाँ ले लीजिए, लैम्डा अल्फा अल्फा माइनस वन के बीटा म्यू। अब देखिए सिंप्लीफाई कीजिए, बराबर याद रखिए साइन जो है इक्वल का कैसे लिखना है। अब यहाँ लैम्डा से लैम्डा कट गया और म्यू से म्यू कट गया, अब इसको उतारेंगे तो ऊपर वाला हो जाएगा लैम अल्फा और एल अल्फा और एल माइनस वन, पावर को खोल देंगे, पावर को खोल देंगे तो उससे सिंप्लीफाई हो जाएगा, बीटा के बीटा पावर को खोल देंगे के माइनस वन इक्वल टू माइनस डी के बाई डी एल इक्वल टू माइनस डी के बाई डी एल माइनस डी के बाई डी एल। अब गौर से देखिए एल अल्फा कट गया, के बीटा कट गया, अब हो गया आपको अल्फा बाई बीटा, और ऊपर में है एल माइनस वन और नीचे है के माइनस वन, ऊपर कर दीजिएगा तो सब पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, के ऊपर कर दीजिए एल नीचे कर दीजिए तो पावर प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हम लोगों का सूत्र हो जाएगा ये माइनस डी के बाई डी एल। हम लोगों का सूत्र क्या हो गया, अल्फा बाई बीटा के बाई एल इज इक्वल टू माइनस डी के बाई डी एल। एक्चुअली यही स्लोप हो गया, यहाँ देखिए यही स्लोप है,
ये स्लोप को क्या लिख सकते हैं, माइनस, माइनस किस तरफ कर देंगे स्लोप के लिए, तो क्या हो जाएगा अल्फा बाई बीटा और क्या है के बाई एल, इतना हो गया आइदर। इधर हम लोग बी के बाई डी एल ले लें, तो उसका वैल्यू अगर लेते हैं तो वैल्यू माइनस हो गया, वैल्यू नहीं है तो के की ओर माइनस लगाई, लेकिन वैल्यू आप निकाल चुके हैं तो वैल्यू कहां चला जाएगा, माइनस कहां चला जाएगा। डीके बाई डी एल का मतलब हो गया सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, बराबर याद रखिए। डीके बाई डी एल क्या है, इसको कहा जाता है डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ, मार्जिनल टेक्निकल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लेबर एंड कैपिटल, मार्जिनल टेक्निकल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं, मार्जिनल टेक्निकल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, टेक्निकल इसे लगा हुआ है कि एल जीरो नहीं होगा, के जीरो नहीं होगा, ये टेक्निकल चीज है, बोथ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड इन कॉप डोग्लास प्रोडक्शन फंक्शन, नो मैटर वन इज ग्रेटर एंड वन इज लेस, बट दैट मस्ट बी मेंटेन। तो ये आपका हो गया, तो ये आपका इक्वेशन नंबर 6 हो गया ना, है? Yes, sir. अब लास्ट में आ जाइए इक्वेशन नंबर 8, इक्वेशन प्रॉपर्टी 7। प्रॉपर्टी 7 क्या है, कॉब डोग्लास प्रोडक्शन फंक्शन बेस्ड आइसो क्वांट, आइसो क्वांट बेस्ड ऑन कॉब डोग्लास प्रोडक्शन फंक्शन इज निगेटिव स्लोप, ये तो हो गया। आइसो क्वांट बेस्ड अपॉन कॉब डोग्लास प्रोडक्शन फंक्शन इज कन्वेक्स टू द बोरिंग, कन्वेक्सिटी का क्या शर्त होता है, कन्वेक्सिटी का शर्त होता है कि क्या नाम है तुम्हारा, भवेश कुमार, और कुछ नहीं आगे पीछे है, मिश्रा यादव सिंह, ये अच्छा है, खाली कुमारे रहे ना इंडिया में सबके नाम के पीछे कुमारी और कुमार सब बराबर लगता है। पटना यूनिवर्सिटी हम ज्वाइन किए थे तो पीसी वर्मा नाम है, तिमाला में आए मकान किराया लेने के लिए, तो क्या वर्मा है, हाँ श्योर है, हम गए हाँ असली वर्मा, हमको एकदम असली वर्मा है, मकान दे दिया। उसके बाद फिर दो तीन दिन के बाद वही आदमी आया कि यार चलना है, हम कहाँ, तो वही पूर्वी महासभा है उसमें चलना जरूरी है ना, और आप पटना कॉलेज के हैं तो रिप्रेजेंट कीजिएगा, तो हम क्या रिप्रेजेंट करें, लिखा है आपको कास्ट से कोई मतलब नहीं है, प्रोफेसर हो गया तो